नमस्कार, मैं ज्योति सांगवान, आप देख रहे हैं खबरें। अभी तक हरियाणा में 20 सालों से छात्र संघ चुनाव पर रोक लगी है। विपक्षी पार्टियां अपने आप को साबित करने के लिए छात्र संघ चुनाव की लगातार मांग कर रही हैं। चुनावी राजनीति की शुरुआत असल मायनों में अगर बात की जाए तो महाविद्यालय से शुरू होती है, और आज के युग में अगर राजनीति में सुधार की जरूरत है तो इसके हर एक स्तर पर हर कसर पूरी करने का एकमात्र पैमाना है छात्र संघ चुनाव। हरियाणा में तो वैसे भी राजनीति के एक मंच यानी कि ग्राम पंचायत चुनाव में सुधार के लिए सरकार ने नया नियम लागू किया, प्रयोग किया गया और प्रयोग सफल भी रहा। आज ग्राम पंचायतों का स्तर काफी सुधरा हुआ देखा जा सकता है, और ऐसे ही बिना किसी नियम या सख्ती के सूबे की राजनीति में और सुधार आ सकता है। नए विकल्प लोगों को मिल सकते हैं, युवाओं को राजनीति में आने का एक और जरिया मिल सकता है, लेकिन वो तब जब पहल की जाए, और पहल करना सरकार के हाथ में है, लेकिन अभी तक की कोशिशें महज खानापूर्ति नजर आती हैं। जी हां, सूबे में छात्र संघ चुनाव की मांग एक बार फिर से उठने लगी है। खासकर इनेलो की छात्र इकाई इनसो बार बार प्रदेश में छात्र संघ चुनाव करवाने की मांग कर रही है। इसी कवायद में इनसो के राष्ट्रीय अध्यक्ष दिग्विजय चौटाला ने 21 अगस्त से पूरे प्रदेश की सभी 12 यूनिवर्सिटीज में अनिश्चितकालीन हड़ताल करने का ऐलान कर दिया। पिछले विधानसभा चुनाव में छात्र संघ चुनाव की बहाली का बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में वादा किया। करीब 2 साल गुजर जाने के बाद खट्टर सरकार ने छात्र संघ चुनाव को बहाल करने की दिशा में मामूली कदम उठाया। 2016 में सरकार ने नियम और शर्तें लागू करते हुए मंजूरी भी दे दी। अप्रत्यक्ष चुनाव करवाने की सरकार ने हामी भर दी। साल 1989 से पहले जिन नियमों से छात्र संघ चुनाव होते थे, सरकार ने उन्हीं नियमों को सही माना। अगस्त 2016 में कमेटी बनाई गई, कैबिनेट में प्रस्ताव लाने का दावा किया गया, जो आज तक पूरा नहीं हो सका है। अब एक बार फिर वही समय है, वही छात्र संघ चुनाव का माहौल हो चला है। जिन जिन राज्यों में ये चुनाव होने हैं वहाँ तैयारियाँ जोरों पर है, और हरियाणा की छात्र इकाइयाँ 20 साल से इंतजार कर रही है। इनेलो की छात्र इकाई इनसो लगातार छात्र संघ चुनाव की बहाली की मांग कर रही है, और एक बार फिर इनसो ने सरकार को घेरना शुरू कर दिया। इनसो के राष्ट्रीय अध्यक्ष दिग्विजय चौटाला ने छात्र संघ चुनाव की मांग को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल का ऐलान कर दिया। दिग्विजय ने प्रदेश की खट्टर सरकार पर एक नहीं कई ताबड़तोड़ वार किए। 21 तारीख को हमने फैसला कर लिया कि हम सारी की सारी यूनिवर्सिटी के जो गेट हैं उनको बंद कर देंगे, और अनिश्चितकाल हड़ताल 12 की 12 सरकारी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, सरकारी विश्वविद्यालय हैं, उन पर ताला जड़ के उन पर अनिश्चितकाल हड़ताल लगा देंगे, और वो तब तक हड़ताल चलेगी, वो तब तक धरना चलेगा, वहाँ तब तक भूख हड़ताल भी चलेगी जब तक कि सरकार छात्र संघ चुनाव पर कोई पॉजिटिव सकारात्मक फैसला स्वयं मुख्यमंत्री ना ले लें। वैसे हरियाणा में छात्र संघ चुनाव पर प्रतिबंध साल 1996 में बिना किसी कारण के नहीं लगाया गया। साल 1986 में स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया के कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के छात्र नेता जसवीर सिंह की हत्या चुनाव के दौरान हुई। 1989 में हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के SFI के छात्र नेता सूबे सिंह शौकंद की हत्या हुई। साथ ही रोहतक MDU में छात्र संघ के प्रधान देवेंद्र कोच को मौत के घाट उतार दिया गया। इन हत्याओं के अलावा महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों में हिंसा और राजनीतिक दखल के कारण तब की बंसीलाल सरकार ने 1996 में छात्र संघ चुनाव पर रोक लगा दी थी, वो आज भी जारी है। हरियाणा में छात्र संघ चुनाव असल में छात्र राजनीति तक सीमित नहीं है, सीधा सीधा इसके राजनीतिक मायने हैं। सूबे में 3 बड़ी सियासी पार्टियों का वर्चस्व कायम है। सबसे पहले BJP जो आज सरकार में है, दूसरी है इनेलो जो विधानसभा में दूसरे नंबर की पार्टी है, लेकिन विधानसभा में सत्ता से 12 साल से ज्यादा समय से बाहर है, और तीसरे नंबर पर कांग्रेस जो 2014 में 10 साल सत्ता संभालने के बाद चुनाव हारी। इन तीनों पार्टियों के छात्र संगठनों BJP का ABVP
इनेलो का इनसो और कांग्रेस की एनएसयूआई है। दोनों विपक्षी पार्टियां इनेलो और कांग्रेस सरकार को चुनौती देने के लिए छात्र संघ चुनाव को ढाल की तरह इस्तेमाल करने की कोशिशों में जुटी हैं। और सरकार अभी इस मुद्दे से किनारा कर 2019 में डायरेक्ट चुनाव मैदान में उतरने के मूड में नजर आ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, खबरें अभी तक। तो जब बीजेपी ने वादा किया था सत्ता में आने से पहले कि जैसे ही सत्ता में आएंगे, घोषणा पत्र में जिक्र किया गया, वादा किया गया, छात्र संघ चुनाव करवाए जाएंगे, बहाली कर दी जाएगी। हालांकि घोषणा की गई, दो साल गुजर जाने के बाद एक कमेटी भी बना दी गई, लेकिन कमेटी की ना बैठक होती है, साथ ही जब बजट जारी किया जाता है पूरे सूबे के लिए, ना छात्र संघ चुनाव के लिए बजट राशि जारी की जाती है, तो ना कमेटी रिपोर्ट सौंपती है, ना बजट ही जारी किया जाता है और ना उस मामले में किसी तरह का कोई अपडेट है। इनसो है, सड़कों पर आ गई है। इनसो ने अल्टीमेटम सीधे तौर पर दे दिया है कि अब सभी यूनिवर्सिटीज को बंद कर दिया जाएगा, मेन गेट पर ताला जड़ा जाएगा, अनिश्चितकालीन हड़ताल की जाएगी। जब तक सीएम खुद कोई सकारात्मक फैसला नहीं लेते, घोषणा नहीं करते, इसी कड़ी में, इस दिशा में कि छात्र संघ चुनाव करवाए जाएंगे जब वादा किया गया था, तो कुछ सवाल हैं जिनके जवाब लेने की कोशिश करेंगे। कुछ खास मेहमान मेरे साथ स्टूडियो में हैं। आशीष पन्नू हैं, प्रवक्ता हैं आप एचएसए के, साथ ही वीरेंद्र चौहान हैं, बीजेपी का पक्ष रखेंगे चर्चा में, विवेक चौधरी हैं हमारे साथ, इनसो के प्रवक्ता आप हैं, कृष्ण शौरान एबीवीपी प्रवक्ता हमारे साथ इस चर्चा में हैं। स्वागत है सभी मेहमानों का इस चर्चा में। शुरुआत बीजेपी से करेंगे। चौहान साहब, जब वादा किया गया था चुनाव से पहले, तो उस दिशा में कोई बड़ा कदम नहीं उठाया गया कमेटी बनाने को छोड़कर। देखिए, हरियाणा में जैसा कि आपने कहा, करीब 20 बरस पहले छात्र संघों के चुनावों पर प्रतिबंध लगा था, और जब चुनावों पर प्रतिबंध लगा था तो उस समय की परिस्थितियां बहुत विभत्स थी। जो हमारे यूनिवर्सिटी कैंपसेस थे वो छात्र राजनीति के चलते वो हिंसा के अड्डे बन गए थे, और हिंसा साधारण हिंसा नहीं थी। आपने स्वयं 3 हत्याओं का जिक्र किया, तो चाकू, छुरे, तलवार, गोलियों तक ये बात पहुंची हुई थी। उन परिस्थितियों में प्रदेश में छात्र संघों के चुनाव को या उस तरह की सियासत को कैंपसेस में चलते रहने देना उचित नहीं उस समय की सरकार ने माना था, वो प्रतिबंध लगा था। इस बीच में अनेक अलग अलग राजनीतिक दलों की सरकारें आई, उसमें स्वयं इनसो, जो कि अब कह रही है कि हम ताले जड़ेंगे विश्वविद्यालयों के परिसरों में, इंडियन नेशनल लोकदल से उसका ताल्लुक है इनसो का, तो इनकी भी सरकार 6 बरस में रह गई, और कांग्रेस की सरकार करीब करीब 9.5 साल वो प्रदेश में रही। इनमें से इन दोनों सरकारों ने चुनाव हो इस बारे में चूं तक नहीं की, स्वयं इनके छात्र संगठनों ने चूं तक नहीं की, परंतु भारतीय जनता पार्टी, जिसका कि विश्वास प्रजातांत्रिक मूल्यों में है, प्रजातांत्रिक व्यवस्था में है, हमने ये कहा कि विश्वविद्यालयों के भीतर नया नेतृत्व उभरे, छात्रों को प्रजातांत्रिक व्यवस्था का ककहरा वो उनको उनके स्वभाव संस्कार में आए, इसलिए आवश्यक है कि 20 बरस पहले जो निर्णय लिया गया था उस पर पुनर्विचार होना चाहिए, और हमने ये कहा कि हम करेंगे भी। सरकार बनने के बाद इस सरकार ने छात्र संघ चुनाव कराए जाएं, इस बारे में एक पॉजिटिव निर्णय लिया, लेकिन चुनाव किस रूप में हो, किस पद्धति से हो, इसको लेकर बहुत सारी अलग अलग राय हैं। देश में अलग अलग राज्यों में अलग अलग पद्धतियां, और दुनिया में भी अलग अलग प्रणालियों से छात्रों को प्रतिनिधित्व देना यूनिवर्सिटी सिस्टम में उसकी प्रक्रियाएं हैं। तो एक बार जब आप 20 बरस पहले जो प्रतिबंध लगा था, रोक लगा था, जो धारा रुकी हुई थी, उसको पुनः आपने अगर चालू करना है तो सरकार का ये निर्णय सटीक है कि विचार करें। फिर चौहान साहब, वक्त कितना लगेगा? 4 हफ्तों की बात हुई थी, कमेटी 4 हफ्तों की बात हुई थी, रिपोर्ट सौंपी जाएगी। कमेटी इसीलिए बनाई गई थी कि वो सारे पक्षों का अध्ययन करके सरकार को रिपोर्ट दे, उसके बाद सरकार निर्णय करे। जहां तक मेरी जानकारी है, आप कह रही है कि 4 हफ्ते का समय दिया गया था, जहां तक मेरी जानकारी है, इस तरह की कोई समय सीमा तो उसको नहीं दी गई थी, परंतु किसी भी कमेटी को अंततो गत्वा किसी समय सीमा में बंद कर तो काम करना चाहिए। हमको ये लगता है कि बहुत जल्द समय सीमा दी गई, 4 हफ्तों में रिपोर्ट सौंपी जाएगी, 4 सदस्य। मेरी जानकारी थोड़ी भिन्न है, वो हो सकता है इस तरह की रिपोर्ट, वो जानकारी आपकी दुरुस्त हो, लेकिन मेरी जानकारी ये कहती है कि उसको कोई ये नहीं कहा गया था कि 4 हफ्ते बाद अपनी रिपोर्ट हर हाल में दें। विषय बड़ा संवेदनशील है,
विषय महत्व का भी है, इसलिए उस पर बारीकी से अध्ययन किया जाना जरूरी था। नहीं, कितना समय कितना लगेगा ये तो देखिए, इस विषय में तो कमेटी के जो सदस्य हैं उनसे ही बात करनी पड़ेगी। से ज्यादा दिन आप लोग गुजार चुके हैं सत्ता में, घोषणा पत्र में वादा किया था, उसके बाद 3 साल गुजरने को हो चले हैं, फिर कब होंगे छात्र संघ चुनाव, ये बड़ा सवाल है, इनसो का रुख करेंगे? आज 1000 दिन बीत जाने के बाद भी सरकार के युवा मायूस है, मायूस जरूर है पर कमजोर नहीं है। आज 1000 दिन बीत जाने के बाद इन्होंने कुछ करने का काम नहीं किया। पिछले साल इनके शिक्षा मंत्री ने बयान दिया था रामविलास शर्मा जी ने कि इस साल इस सेशन में हम छात्र संघ चुनाव कराने का काम करेंगे। बिल्कुल, जुलाई में रिपोर्ट सौंपी जाएगी, फिर उस पर कदम उठाया जाएगा, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। आज सरकार के 3 साल बीत जाने के बाद भी कहीं पर भी, अभी कुछ दिन पहले इनके मंत्री अनिल विज जी ने बयान दिया कि हम विचार कर रहे हैं और इनसो अपना काम करे, इनसो तो अपना ही काम कर रही है। हम नए छात्र नेताओं को निकालने के लिए, यूनिवर्सिटी कॉलेजेस में से निकालने के लिए, अपनी नई टीम को खड़ा करने के लिए, नए छात्रों को बाहर निकालने के लिए, हम 21 तारीख से जो हरेक यूनिवर्सिटी के गेट पे ताला लगाने जा रहे हैं। कौन सा तरीका छात्र, है आप, छात्रों विश्वविद्यालय शिक्षा के मंदिर हैं, और इंडियन नेशनल लोकदल क्या वही फिर से हरियाणा के युवा को ले जाना चाहती है? आप ताले लगाना चाहते हैं? डेमोक्रेसी में, डेमोक्रेसी में 6 साल डेमोक्रेसी एक बात, कितनी बार ताला लगाया, हक मांगने से नहीं मिल रहे तो छीने जाते हैं। हरियाणा के लोगों को सिर्फ ये बता दो, जब आप सत्ता में थे आपने कितने ताले लगाए, सत्ता में थे तो उस समय कितने बार ताले लगे, उस समय ये मैटर कोर्ट में था। तरीका कौन सा है फिर, ये तरीका कौन सा है? आप गेट पर ताला जड़ देंगे, क्या पढ़ाई के लिए, क्या शिक्षा के लिए युवा नहीं जाते हैं, फिर राजनीति के लिए कैंपस बचे हैं? हमने सीएम साहब को 5 तारीख तक का समय दिया था कि सीएम साहब छात्र संघ चुनाव का बहाल करें और छात्र संघ चुनाव कराने का काम करें, पर 5 तारीख भी अब निकल गई है। 5 तारीख तक का अल्टीमेटम हमने दिया था, उसके बाद जब हमने हक अपना मांगा है, हक हमें नहीं दे रहा तो हम हक छीनना जानते हैं। कितना ताले लगाने के सिपाही हैं हम, अपना हक छीनना जानते हैं। फिर मसला कोई भी हो, एसवाईएल की बात हो, आप नहरे खोदने निकल लेते हैं, फिर यहाँ बात कर लें छात्र संघ चुनाव की, आप विश्वविद्यालयों पर, महाविद्यालयों पर ताला जड़ देंगे, क्या पढ़ाई नहीं करनी है छात्रों को, क्या शिक्षा के लिए नहीं आते हैं छात्र? अगर हम यूनिवर्सिटियों के ऊपर ताला जड़ने जा रहे हैं तो छात्रों के लिए जड़ने जा रहे हैं? हमारा उसमें अपना विवेक ने, या हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष दिग्विजय सिंह चौटाला जी ने कोई यूनिवर्सिटी का प्रधान नहीं बनना? हम छात्रों को छात्र राजनीति में लाने के लिए और नई छात्र ताला जड़ के कहां से राजनीति को लाने के लिए हम ये काम करने जा रहे हैं। हमने 3 साल से ये कहते आ रहे हैं हम छात्र संघ चुनाव कराएंगे, और हम आज यहाँ बैठकर मैं ये बात कहता हूँ, आने वाले समय में हमारी सरकार आएगी तो 24 घंटे के अंदर छात्र संघ चुनाव बहाल कराने का काम करेंगे। ताले लगा के कहां से छात्रों का भला होगा? ये नहीं चौहान साहब, फिर ताले लगाने का मौका क्यों देते हैं आप? मैं फिर कह रहा हूँ, फैसला आप लोगों को लेना है, चुनाव आप लोगों को करवाना है, मौका क्यों देते हैं आप लोग? निसंदेह चुनाव भी हमको कराना है, निर्णय भी हमको लेना है जी। लेकिन कोई भी निर्णय लेने में, जब मैंने पहले कहा कि बहुत विकट परिस्थितियों में बंद करना पड़ा था जी। देश में अभी भी अनेक राज्य, एक मिनट सुनिएगा विवेक भाई, अनेक राज्य ऐसे हैं जहां पर सरकारें चुनाव नहीं करा पा रही हैं या भिन्न तरीकों से करा रही है। हम उस सारी प्रक्रिया का अध्ययन करके हरियाणा को हम छात्र राजनीति के नाम पर हिंसा का गढ़ बढ़ने देना नहीं चाहते। हमको ऐसी राजनीति सचमुच नहीं चाहिए जहां छात्र ये कहेंगे हम तो ताला लगाएंगे, हम तो तोड़फोड़ करेंगे। ठीक है, चर्चा में आगे जी कहिएगा, आप बात कहिएगा, पहली प्रतिक्रियाएं ले लें हम सभी मेहमानों की। पन्नू साहब आपके पास मैं आऊंगी, इनसो का कहना है कि अगर 24 घंटे के नोटिस पर भी चुनाव करवाए जाएं तो इनसो जीत कर आएगी सभी यूनिवर्सिटीज में, आप क्या कहेंगे? देखिए ये बड़ा राजनीतिक प्रश्न है और इसका उत्तर भी राजनीतिक तरीके से दे रहे हैं कि इलेक्शन होंगे तो हम जीत के आएंगे। ये सवाल का उत्तर तब दिया जाएगा जब इलेक्शन होंगे, छात्रों को पार्टिसिपेट करने का मौका दिया जाएगा। लेकिन मैं, मेरे मित्र जो भाजपा के हैं, मैं उनकी इस बात से सहमत हूँ। आज के डिबेट के विषय 2 हैं, छात्र राजनीति के चुनाव कब शुरू होंगे, और इसके बैकग्राउंड में सवाल ये था कि ये चुनाव बंद क्यों हुए थे। जब छात्र चुनाव ने हिंसात्मक रूप इख्तियार कर लिया था, जिसमें खासकर मेरे इनेलो के साथी बैठे हैं और कांग्रेस के मेरे साथी आए नहीं हैं, इन दोनों राजनीतिक पार्टियों के जो छात्र दल थे
उन छात्र दलों ने जब विश्वविद्यालय की राजनीति में या छात्र राजनीति में हिंसा का स्थान लिया तो तत्कालीन सरकार को मजबूर होकर इलेक्शन बंद करने पड़े। एक बार के लिए रोकूंगी, चर्चा करेंगे, लेकिन फिलहाल दिग्विजय चौटाला हैं हमारे साथ, हिंसो के राष्ट्रीय अध्यक्ष, फोन लाइन पर जुड़े हैं। चौटाला साहब, स्वागत है आपका। जी धन्यवाद। जी, अभी आप लोगों ने अल्टीमेटम दिया है, साथ ही यूनिवर्सिटीज पर ताले जड़े जाएंगे और जब तक छात्र संघ चुनाव नहीं होते ये प्रदर्शन किए जाएंगे, हड़ताल किए जाएंगे, कितना सही है ये फैसला? फैसला सभी स्टूडेंट्स ने मिलजुल करके लिया है और 2014 में हमारे मैनिफेस्टो में भी और भारतीय जनता पार्टी के मैनिफेस्टो में भी एक बात कही गई थी कि पहली कैबिनेट मीटिंग के अंदर इस बात के फैसले लिए जाएंगे और छात्र संघ चुनावों की बहाली की जाएगी। जी। और 1000 दिन बीत जाने के बाद आज सरकार अपनी उपलब्धियां तो गिनवाती है, हाँ। मगर उन उपलब्धियों में जो एक उपलब्धि होनी चाहिए थी कि छात्र संघ चुनाव की बहाली हुई, वो अभी तक ये सरकार नहीं कर पाई है। जी। मैंने स्वयं मुख्यमंत्री जी से 3 दफे मिलकर, गवर्नर साहब से 2 बारी मिलकर और सैकड़ों बार मेमोरेंडम शिक्षा मंत्री के नाम पर सौंपकर इन लोगों को इस बात को याद दिलाने का काम किया है। मैंने जब मुख्यमंत्री जी से भेंट की थी तो पहले साल में, पहले महीने में जब मुख्यमंत्री बने थे तो मैं उनके घर मिलने गया जी। और मुझे उनने बिठाकर इस बात का वादा और विश्वास दिलाया था कि दिग्विजय जी, इस साल सितंबर के अंदर जब दिल्ली में और चंडीगढ़ के अंदर चुनाव होंगे, राजस्थान में चुनाव होंगे तो हरियाणा में भी चुनाव होंगे, आप बेचिंता होकर चले जाएं। ठीक है। अगले साल भी उनने ये बात दोहराई। दुष्यंत जी ने जब 0 आवर में ये प्रश्न उठाया तब इन लोगों को ये लगा कि मामला बड़ा बन गया, तो इनने एक कमेटी फॉर्म कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने लिंगडो कमेटी की रिपोर्टों पर मोहर लगा दी है। लिंगडो कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद किसी कमेटी का कोई औचित्य बचता ही नहीं। जब सुप्रीम कोर्ट ये कह रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर मोहर लगा दी कि शांतिपूर्वक चुनाव, गुंडागर्दी रहित चुनाव और एक फिक्स बजट के अंदर चुनाव, एक उम्र जो है उस पर एक डाल दी गई कि जो ग्रेजुएट है वो 23 साल और जो पोस्ट ग्रेजुएट है वो 25 साल, 5000 से ज्यादा आप लगा नहीं सकते, पोस्टर आप लगा नहीं सकते। गुंडागर्दी की चर्चा में सुन रहा था, ये जमाना था 1996 का, हम स्वयं मानते हैं कि बंसीलाल जी ने जो किया वो गलत नहीं किया होगा, मगर आज हालात बदल चुके हैं। पिछले 14 वर्षों में एक भी ऐसी घटना नहीं है आपको हरियाणा में। चौटाला साहब, वीरेंद्र चौहान हैं हमारे साथ, बीजेपी प्रवक्ता हैं स्टूडियो में, उनका कहना है कि समय लगेगा, प्रक्रिया जारी है, कमेटी गठित कर दी गई है, सुनिश्चित किया जाएगा कि हिंसा ना हो, स्थिति ना बिगड़े। नहीं नहीं, हिंसा इनको क्या सुनिश्चित करना है जी, सुनिश्चित तो हो चुका है, देयर इज अ सेट रूल, जो गाइडलाइंस है वो सब सेट है, इनको सेट कर देता है, ये करने वाले कौन है, इनको तो सिर्फ इंप्लीमेंट करना है, इनको नोटिफिकेशन जारी करनी है। वो ये इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि इनको पता है कि चुनाव होगा तो इनको जीत करके आएगा, जो आप मेरे से पहले भी बात दोहरा रहे थे। मैं इनको उत्तर देना चाहता हूं। जी, चौहान साहब आपको उत्तर देंगे, साथ ही सवाल भी आपसे करेंगे, चौटाला साहब सुनेंगे एक बार। ये घोषणा कर देना कि हम तो चुनाव इसलिए नहीं करा रहे कि इनसो जीत के आ जाएगा, ये अपने आप में अपने दिल को खुश करने के लिए खुशफहमी में रहने जैसी बात है दिग्विजय भाई। इस बात ये कह देने से कि आप ही जीत कर आएंगे, आप जीत के आ जाओगे, ऐसा नहीं है। दूसरी बात ये कि हम कौन होते हैं करने वाले, हम करने वाले नहीं है तो हमसे मांग काहे करते हैं, मुख्यमंत्री के पास क्यों जाते हैं आप? निश्चित रूप से इस समय हरियाणा में हमारी चुनी हुई निर्वाचित सरकार है, चुनाव होंगे कि नहीं होंगे हम ही तय करेंगे, सरकार ही तय करेगी और वो सरकार नियमों के अनुसार कायदे से हरियाणा के युवाओं के भविष्य को देखते हुए निर्णय करेगी। आपने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने लिंगडो कमेटी की सिफारिशों पर मोहर लगा दी, आई एग्री, ये सच है कि लगा दी, लेकिन लिंगडो कमेटी ये कहती है कि चुनाव की प्रक्रिया उसकी सिफारिशों के अनुरूप नियमों के तहत होगी, उस बारे में निर्णय करने का अधिकार तो राज्य की सरकार को है, आप कौन होते हैं वो अधिकार छीनने वाले? नहीं चौहान साहब, रोकूंगी, माफी के साथ रोकूंगी, एक सवाल, इन्होंने जो सवाल किया उसका उत्तर मैं सिर्फ दे रहा हूँ। थोड़ा जल्दी, इंडियन नेशनल लोकदल और उसका छात्र संगठन, वो क्योंकि उनकी राजनीतिक जमीन का बिल्कुल सफाया हो गया हरियाणा से, तो इसलिए वो कभी कसी कुदाले उठा के SYL खोदते हैं, कभी ताले लगा के शिक्षा के मंदिरों के जो परिवेश है उसको प्रदूषित करने निकलते हैं, तो इनकी बेचैनी है उससे ज्यादा कुछ नहीं है। और दावा यह है ऊपर से कि हम ही जीत कराएंगे, जीत हार ये छात्र तय करेंगे, साहब आपका आपके कह देने से कुछ नहीं हो जाता। जी चौटाला साहब, मैं ये कह रहा हूं कि आप चुनाव करवाइए, चलो वो तय करेंगे, हम भी नहीं करेंगे, मैं भी नहीं करूंगा, आप भी नहीं करोगे, वो तय करेंगे, हाँ। मगर आप चुनाव कराइए, 1000 दिन बीत चुके हैं, जिंदा नस्लें जयप्रकाश नारायण कह करके गए हैं, राम मनोहर लोहिया की सोच पर कह करके गए हैं,
कि जिंदा नस्लें जिंदा कौमें पांच साल इंतजार नहीं किया करती। हम इनसे भीख नहीं मांग रहे, हम कोई इनके आगे हाथ नहीं जोड़ रहे, हम अपना अधिकार मांग रहे हैं। अगर ये नहीं देंगे तो हम अपना अधिकार छीन लेंगे। प्रजातंत्र के अंदर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने एक संविधान रखा है और उस संविधान के तहत हमें पता है कि हमारे राइट्स और रंग क्या है। ताले लगाना आपका अधिकार नहीं है, ताले जड़ना, पढ़ाई ना होने देना, बाबा साहब का दिया हुआ संविधान विद्यालयों पे ताले लगाने का अधिकार आपको नहीं देता। आप तो छात्रों के हक की अधिकार भी नहीं देता, हक की लड़ाई लड़ते हैं ना, हित की लड़ाई लड़ते हैं। अब ताले जड़ेंगे, इनमें कौन सा हित छुपा है? एमरजेंसी के अंदर जब इंदिरा गांधी ने एक रवैया अपना लिया एनार्किज्म, माय वे और नो वे, तो लोगों ने उसके खिलाफ चाहे अराजकता कर उसके खिलाफ एक लड़ाई लड़ी। बफोर्स में राजीव गांधी ने ये किया, 2013 में सोनिया गांधी के खिलाफ अन्ना हजारे को लड़ाई लड़नी पड़ी। आज अगर ये खट्टर की खटारा सरकार नहीं मानेगी तो हमें इनके खिलाफ लड़ाई लड़नी पड़ेगी, उसको आप कुछ भी कहें। आप केवल और केवल अपनी हारी हुई लड़ाई को जीतने के चक्कर में हरियाणा को अराजकता के चक्रव्यूह में झोंकना चाहते हैं। हरियाणा में सब कुछ सामान्य चल रहा है, आप विश्वविद्यालयों में ताला लगा के प्रदेश के युवा को गलत ट्रैक पर ले जाना चाहते हैं और बात करते हैं प्रजातंत्र की। यह प्रजातंत्र है क्या? आप विश्वविद्यालयों के दरवाजों पर ताला लगाएंगे? आप बताइए भारत के संविधान में कहां लिखा है कि विश्वविद्यालयों के दरवाजों पर ताले लगाए जाएं? कहां, कौन सा बाबा साहब का संविधान आपको यह अधिकार देता है? आप करिए धरने प्रदर्शन कर लीजिए। आपको यह किसने अधिकार दे दिया कि आप ताले जड़ेंगे? आपको यह किसने अधिकार दे दिया कि आप कसी कुदाले उठा करके कानून तोड़ के एसवाईएल खोदने जाएंगे? ये इस तरह की राजनीति छोड़नी चाहिए इंडियन नेशनल लोकदल को। लोग समझते हैं, अब लोग इस तरह की बातों के बहकावे में नहीं आते हरियाणा में। बिल्कुल जटाला साहब, इस बात का मैं भी जवाब चाहूंगी, ये किस तरह की राजनीति है? ना नियमों की ना कानूनों की बात होती है। ताले इसलिए लगा रहे हैं, मैम आप मेरी बात सुनिए, मैं वीरेंद्र सिंह को जवाब नहीं दे रहा, मैं दुनिया को, मैं हरियाणा प्रदेश को जो आज आपके माध्यम से सुन रहे हैं मेरी बात, उनको जवाब दे रहा जी। हम सारे रास्ते डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर के अंदर जो जो संभव सब चीजें हैं इस गूंगी बहरी सरकार के सामने कर चुके जी। मगर जब इनके कान में जू नहीं रेंगेगी तो सिर्फ अगर 3 दिन 2 दिन 72 घंटे 48 घंटे, मैं सभी लोगों से संवाद करके आ रहा हूं, मुझे इन लोगों का डर नहीं है। मैं एक एक स्टूडेंट से हॉस्टल्स में उनके क्लासरूम में जाके इस बात का संवाद करके आया, मैंने उनसे पूछा क्या ये ठीक है या नहीं है, और सबने, और आप 21 तारीख को देख भी लेंगे कि जो सिरों की गिनती वहां पर आई कार्ड के साथ होगी, मैं इनसे भी चाहता हूं कि ये भी वहां आकर देखें कि कितना बड़ा आज कितना बड़ा संख्या बल है। वो ये चाहता है कि अगर 2 दिन की हमारी पढ़ाई खराब होती है तो उसकी एवज में हमारा भविष्य सुरक्षित हो जाता है। हाँ। और प्रजातंत्र इन विश्वविद्यालयों में बहाल होता है तो हमें चाहे इसके, आपको लगता है 2 दिन ताले लगाने से बात बनेगी, सरकार झुकेगी, सरकार मानेगी? निश्चित, प्रजातंत्र का और धक्काशाही का कोई आपस में तालमेल नहीं है। अब मैं बोल रहा हूँ तो आप क्यों बोल रहे हैं? आप बोल रहे थे, मैं नहीं बोल रहा, मेरी बात सुनिए। जब सारा सिस्टम चौकब्लॉक हो जाएगा तो फिर ये चंडीगढ़ के एसी के कमरे बैठे लोगों को जागना पड़ेगा। इसलिए मैं ये आपसे कह रहा हूं, अभी भी कह रहा हूं कि सरकार के पास 4 दिन है, फैसला लें, इतने बेचैन ना हो, फैसला लें, नहीं तो हम ताले लगाएंगे जी। नहीं, इस तरह के अल्टीमेटम तो एसवाईएल नहर को लेकर भी आप देते रहे। चलो आपको 21 तारीख को पता चल जाएगा जी स्टूडेंट्स क्या चाहते हैं। हाँ। और इस प्रदेश के छात्र क्या चाहते हैं, आपको 21 तारीख के आपके सामने जी। दिग्विजय जी, अगर साथी सरकार चुनाव करवाती है तो सरकार इनडायरेक्ट चुनाव करवाएगी या प्रत्यक्ष चुनाव करवाएगी, उसको लेकर क्या कहेंगे? सिर्फ डायरेक्ट चुनाव होनी चाहिए जी। ये आरएसएस की इन कच्चेधारियों की पॉलिसी लागू नहीं होने देंगे इनडायरेक्ट चुनाव जी। देखिए ज्योति, इस बात को समझना चाहिए कि इंडियन नेशनल लोकदल और उसका छात्र संगठन वो, हाँ। क्योंकि जैसे उनकी पार्टी भयंकर हताशा के दौर में है, उनकी पार्टी में अभी तक यही तय नहीं हो पा रहा है कि पार्टी को किस दिशा में चलना है, उसका नेतृत्व जो उनके नेता कारागार में है उनके हाथ में है या जो बाहर है उनके हाथ में है। अब वो जो उनकी हताशा है वो अलग अलग अंदाज में प्रकट होती है। पहले ये शक्ति परीक्षण, एक खेमा इनके परिवार का अंबाला पहुंच गया कि हम एसवाईएल खोदेंगे कुदाल लेकर। अब दिग्विजय बाबू निकले हैं कि हम ताले लगाएंगे। अब ये दोनों ही बातें हरियाणा के लोग अच्छे से समझते हैं कि इन दोनों बातों का संबंध इंडियन नेशनल लोकदल की परंपरागत अराजकतावादी राजनीति से है। हरियाणा में अब ये राजनीतिक संस्कृति नहीं चल सकती। ठीक है दिग्विजय चौटाला, आप हैं फोन लाइन पर जी। जी, अगर सरकार नहीं मानती है, आपके अल्टीमेटम से नहीं मानती, ताले जड़ने से नहीं मानती, आगे की रणनीति क्या है, आगे क्या करेंगे, क्या विकल्प बचते हैं आपके पास?
एक बात, अगर आज बीजेपी के लोग बैठे हैं तो अपने सीएम को जाकर के कान खोल के बता दें कि हम लव लेटर लिखने के लिए 5 घंटे के लिए 7 घंटे के लिए वहां नहीं बैठेंगे। दिग्विजय चौटाला पहली पंक्ति में भूख हड़ताल पे बैठेगा। मैं कह रहा हूं कि सर्वोपरि बलिदान, चाहे कुछ भी चला जाए, पर एक नहीं, 2 दिन 3 दिन 4 दिन हफ्ता 10 दिन जब तक ये लोग इस पे फैसला नहीं लेंगे। और सितंबर के माह में अगले महीने दिल्ली चंडीगढ़ राजस्थान के साथ अगर हरियाणा का चुनाव नहीं होगा तो बड़े से बड़ी कुर्बानी स्टूडेंट देंगे। तब तक आप ताले भी लगाकर रखेंगे? बिल्कुल ताले भी लगा करके रखेंगे। मैं तो क्या क्या लगता है, कैंपस राजनीति के लिए है या शिक्षा का भी जरिया है? मैं आपसे एक बात कहना चाह रहा हूँ कि स्टूडेंट्स की बहुत सारी परेशानियां हैं और मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स उसको सुलझा नहीं सकती। कैंपस के अंदर जाकर लोकदल और भाजपा की बात नहीं हो सकती, मगर यूनियंस जब गठित हो जाएंगी, प्रधान उप प्रधान सचिव संयुक्त सचिव जब चुन करके आएंगे डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर से, तो वो सारी दिक्कतें दूर होंगी। हम राजनीति की बात उन कैंपस में नहीं करते। मैंने आज तक कोई पॉलिटिकल नारा भी वहां जाकर नहीं लगाया। ठीक है, चलिए, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़े, वक्त दिया। तो आगे बढ़ेंगे चर्चा में, कुछ खास मेहमान लगातार हमारे साथ हैं, हम पक्ष जानेंगे एबीवीपी का। शुरान साहब आपके पास आऊंगी, जो इनसो का कहना है कि एबीवीपी जो है मजबूत नहीं है, किसी भी विश्वविद्यालय की बात कर ली जाए, और यही कारण है कि बीजेपी सरकार चुनाव नहीं करवाना चाहती। मैम देखो, इसमें सबसे पहली चीज तो ये कि एबीवीपी कितनी मजबूत है या इनसो कितनी मजबूत है, ये जिस दिन इलेक्शन होंगे उस दिन पता चलेगा। जो दूसरी चीज बार बार निकल के आ रही कि कैंपस में या कॉलेजेस में इलेक्शन क्यों होना चाहिए, क्योंकि प्रजातांत्रिक जो मूल्य है उनकी वहां पे स्थापना करनी है, उनको बचा करना है। जब इन इनसो की फैमिली और INLD की खुद की फैमिली के अंदर प्रजातांत्रिक मूल्य नहीं है तो ये कॉलेजेस की कहां से बात कर रहे हैं। इसमें सबसे बड़ी चीज आप देखते तो जो इनसो के नेशनल प्रेसिडेंट है वो कौन, इसी फैमिली के। इनके आप सेक्रेटरी पता करेंगे, इन्हीं से है, INLD के हैं, इन्हीं से हैं। जब खुद अपनी फैमिली के अंदर ये उन चीजों की रचना नहीं कर पा रहे हैं तो कहां कॉलेजेस की बात हो रही है। दूसरी चीज, अगर इनसो का हरियाणा में किसी चीज को लेकर नाम जाना जाता है तो वो हिंसा के लिए सर्वोपरि है। आप देखते हैं, जब मैं DN कॉलेज में 2013 में मैंने ग्रेजुएशन की, जितनी कॉलेजेस में लड़ाइयां होती थी उसमें इनसो सबसे आगे रहती थी। देखिए, जब लिंगदो गाइडलाइंस की बात हो रही है तो लिंगदो गाइडलाइंस कहती है कि कैंपस पे इतना कॉन्फिडेंस कैसे है इनसो में कि अगर चुनाव करवाए जाते हैं, 24 घंटे के नोटिस पर भी करवाए जाते हैं, तो 12 जितनी भी यूनिवर्सिटीज हैं उनमें इनसो ही चुनाव जीतने वाली। कॉन्फिडेंस की बात ऐसे में कॉन्फिडेंस तो दिग्विजय जी जो अपने इनसो के नेशनल प्रेसिडेंट है, ये चंडीगढ़ में भी दावे करते हैं और चंडीगढ़ के कितने कॉलेजेस में जीतते हैं ये हमें भी पता है। हमें सबके सामने पता है कि किस हिसाब से और किस तरह की जीतें ये जीत के आए हैं। जब SD कॉलेज की बात करते हैं तो ये NSUI के साथ मिलकर इलेक्शन लड़ते हैं, और जब ये पंजाब यूनिवर्सिटी की बात करते हैं तो फिर ये हमारे साथ मिलकर इलेक्शन लड़ते हैं। हरियाणा में कहते हैं कि एबीवीपी कमजोर है, तो ये तो मैम गड़बड़ जाता है। जब चीजें क्लियर नहीं है तो इलेक्शन क्यों नहीं कराते? हाँ, ये बड़ा सवाल है कि हम पिछले साल ग्राउंड पे जाके सर्वे कराया, उसमें इन्हें साफ पता लगा कि इनसो हर एक कॉलेज में हर एक यूनिवर्सिटी में इनसो जीतने का काम कर रही है, उससे डर के इन्होंने छात्र संघ चुनाव ना कराने का काम किया। मुझे तो एक वाक्य में कहना चाहता हूं, केवल एक वाक्य। CID की रिपोर्ट भी इनेलो को ही मिलती है और छात्र क्या चाहते हैं वो भी दिग्विजय सिंह चौटाला को ही पता चलता है। पता नहीं कौन सी ख्वाबगाह में रहते हैं, कौन से सपनों के संसार में जीते हैं, गजब के लोग हैं। हमेशा ग्राउंड लेवल पे काम करती है। तीन टर्म से जिस पार्टी को हरियाणा के लोगों ने नकार रखा है उसका छात्र संगठन कहता है कि हम जीतेंगे, न जाने कहां जीतेंगे। आपको कहना चाहूंगा, चौहान साहब आप भी रुकिए, आशीष पन्नू मैं आपके पास आ रही हूँ। अगर चुनाव होते हैं तो आपकी जो स्टूडेंट विंग है वो कहाँ स्टैंड करती है? देखिए, इस डिबेट से पहले मेरे दिमाग में एक प्रश्न आया था कि आज शायद सारे के सारे छात्र संघ जो हमारे हरियाणा चंडीगढ़ या पंजाब में कार्यरत हैं उनके सबके एक एक प्रतिनिधि आएंगे, और उनसे मैं सिर्फ एक सवाल करना चाहूंगा। मेरे मित्र भाजपा से भी बैठे हैं, NLO से भी बैठे हैं और ABP से भी बैठे हैं। ये इलेक्शंस क्यों बंद हुए थे? ये इलेक्शन इसलिए बंद हुए थे कि तमाम राजनीतिक दल अपने छात्र संघ, उनकी जो स्टूडेंट्स विंग होती थी, उनका इस्तेमाल छात्र राजनीति को बढ़ाने के लिए किसी ने नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी अभी सत्ता में आई है, इनके बारे में मैं अभी ये प्रश्न उठाना उचित नहीं समझूंगा, लेकिन मेरे मित्र जो NLO से बैठे हैं
और जो मेरे मित्र कांग्रेस से नहीं आए, दोनों राजनीतिक दलों ने, जिसमें खासकर मेरे मित्र बुराना माने, खासकर INLD ने हमेशा हिंसात्मक राजनीति का रुख अख्तियार किया है और यही कारण है कि 20 साल से हम इंतजार कर रहे हैं और ये तो तारे लगाने वाली बात है, क्या हम 20 साल और इंतजार करें जी। दूसरी बात, सबसे महत्वपूर्ण जो बात है, हमारा संगठन हिंदुस्तान स्टूडेंट एसोसिएशन पिछले 10 साल से चंडीगढ़, हरियाणा और दिल्ली में काम कर रहा है, ठीक है। आज तक किसी एक भी राजनीतिक दल से, चाहे वो कांग्रेस हो या SFI हो या BJP हो या हाँ। कोई भी हो, हमने आज तक किसी भी राजनीतिक दल से समर्थन ना मांगा, ना कभी मांगेंगे और ना किसी को समर्थन देंगे। सवाल कई हैं पन्नू, रोकूंगी मैं आपको, सवाल कई हैं जिनके जवाब लेंगे, लेकिन फिलहाल यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। सवाल कई हैं छात्र संघ चुनाव को लेकर हरियाणा में, जिनका जवाब लेने की कोशिशें हम कर रहे हैं। क्या इनसो वास्तव में बहुत मजबूत है, जितने भी विश्वविद्यालय हैं हरियाणा में उनमें, या फिर दावेदारी की जा रही है, या फिर मुद्दा बनाया जा रहा है, सियासत की जा रही है, और गेट पर ताला जड़ना, पढ़ाई ना होने देना, ये जरिया कितना सही है, क्या बाकी कोई विकल्प नहीं बचा है इनसो के पास। और साथ ही सरकार के पक्ष की बात कर ले, जब घोषणा पत्र में जिक्र किया गया, वादा किया गया 3 साल गुजरने को हैं, सरकार ने बड़ा कदम क्यों नहीं उठाया इस दिशा में, क्या इनसो जो दावेदारी कर रही है उनमें किसी तरह की सच्चाई है, इन सवालों के जवाब लेंगे। कुछ खास मेहमान हैं मेरे साथ जिनसे चर्चा करेंगे, जानना चाहेंगे क्या कुछ ये पूरा मसला है और कहां जाकर थमेगा। चौहान साहब, आपके पास मैं आऊंगी। जिस तरह से बात की आपने कि जो कमेटी की रिपोर्ट जो लागू होनी है, जिसके सिफारिशों की बात कर लें, तो प्रत्यक्ष चुनाव करवाए जाएं, फिर सरकार अप्रत्यक्ष चुनाव की क्यों बात करती है? देखिए, कमेटी को सारे प्रश्नों पर अध्ययन करके अपनी रिपोर्ट देने के लिए कहा गया है। छात्र संघ चुनाव नहीं, मैं लिंगदो कमेटी की बात कर रही हूं, जिसमें सिफारिश ये की गई है कि प्रत्यक्ष चुनाव करवाए जाएं। जब सुप्रीम कोर्ट का आदेश आ गया है कि उसकी सिफारिशें मानी जाएगी, तो उसकी सिफारिशों को मानने में परहेज क्यों है सरकार को, सवाल ये। हमने ये कब कहा कि हम लिंगदो कमेटी की सिफारिशों को मानते नहीं है, लेकिन लिंगदो कमेटी की सिफारिशें वो हरियाणा के मामले में अंतिम है और उनको हूबहु अक्षरशः उनका अनुपालन किया जाना, ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। सुनिए, हर स्थान की अपनी स्थान की, समय की और परिस्थितियों की बात को देखे बिना निर्णय नहीं होते हैं। लिंगदो कमेटी में जो सिफारिशें की गई हैं, प्रजातांत्रिक मूल्यों का संचरण वो हो यूनिवर्सिटी कैंपसेस में, कॉलेजेस में, इस बारे में जो रिकमेंडेशंस वहां दी गई हैं, इन प्रिंसिपल उनसे असहमत होने की कोई वजह नहीं है, ठीक है। परंतु और चुनाव की क्या पद्धति हो उसको लेके उन्होंने कुछ गाइडलाइंस दी हैं। जिन स्थितियों में चुनावों पर रोक लगी थी या विश्वविद्यालयों के चुनाव जिन बुराइयों के चक्रव्यूह में फंस रहे थे, हाँ। उनका भी उसने अच्छे से विचार किया है, ठीक है। उसको लेकर भी सिफारिशें दी गई हैं। हमारा ये कहना है कि उन लिंगदो कमेटी की सिफारिशें अपने स्थान पर हैं, उनको इंप्लीमेंट कैसे करना है, और हरियाणा में जिन परिस्थितियों में चुनाव बंद हुए थे वहां से लेकर आज तक की यात्रा में क्या डिफरेंसेस आ गए, और आज उस कमेटी की सिफारिशों को अगर लागू करना है, जस्ट एक भी है, एक ये मिनट, अंतर एक समझने में कितना समय कितना लेगी सरकारी अंतर समझने सरकार, में नहीं, अंतर अंतर का सवाल नहीं है, मैंने हाँ, अंतर की तो बात ही नहीं, आपने कहा कितना परिवर्तन हो गया स्थितियों में, अंतर की ही बात कर रहे हैं आप जी। वो मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि आज अगर हमको छात्र संघ चुनाव कराने हैं तो वो किस विधि किस पद्धति से कराए जाए, परिस्थितियों में कितना और कैसा बदलाव आया है, इस विषय को लेकर उस कमेटी ने जो भी स्टेक होल्डर्स हैं, अलग अलग छात्र संगठन हैं या अन्य लोग जिनका इस विषय में रुचि है, उन सबसे राय ली है, और सुनिए मुझे एक बात पूरी करने दीजिए, वो कमेटी अपनी रिपोर्ट दे दे सरकार को, सरकार उसके अनुरूप उस कमेटी की रिपोर्ट पर विचार करके अगला निर्णय लेगी। मुझे सिर्फ एक बात कहनी है, अप्रत्यक्ष चुनाव की बात की है, इसमें तो सोचने समझने की बात नहीं बची, ये घोषणा की जा चुकी है अप्रत्यक्ष चुनाव होंगे, तो उसमें देरी होने वाली बात नहीं है, ये चुनाव होंगे इसको लेकर सवाल है अप्रत्यक्ष। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि इंडियन नेशनल लोकदल की बेचैनी को समझना चाहिए आज की आज उनको आज आज प्रश्न ये है
कि ये इंडियन नेशनल लोकदल इतना बेचैन क्यों है, उसका स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन इनसो इतना बेचैन क्यों है। छह साल के अपने शासनकाल में इन्होंने कुछ नहीं किया, कांग्रेस के शासनकाल में ये कहीं उस तरह से हल्ला करते ताले लगाते नजर नहीं आए। नहीं, आप लोगों आज, तो वादा आज, किया ना, आप, मैं तो अपने वादे पर कायम हूँ। मैंने, मेरे संगठन ने, मेरी पार्टी ने, मेरी सरकार ने अपने वादे से मुकरने की बात तो कभी की नहीं। हम तो सिर्फ ये कह रहे हैं कि ये फिलहाल के लिए फिर कह रहा हूँ, आप सुनिए एक मिनट, मुझे सिर्फ इतना कहना है कि इंडियन नेशनल लोकदल ये बता दे हरियाणा के लोगों को कि वो हरियाणा के विश्वविद्यालयों को, कॉलेजों को एक बार फिर से अराजकता के भट्टी में झोंकने के लिए इतना बेताब क्यों है। ये ऐसा विषय नहीं है कि उसके लिए छात्र कुर्बानी दें। मैं समझता हूँ इस देश को ये वादा भी था, फैसला भी है, हालांकि देरी हो रही है वो अलग पक्ष है। रुकिए, इस देश को कुर्बानी बहुत सारे मसलों में जरूरत है। आप रुकिए विवेक, आपके पास मैं आ रही हूँ। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष का जो मसला है, क्या उससे पूंजीपतिवाद जो है उसकी बैकडोर एंट्री को बढ़ावा मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा ज्योति जी। जैसे कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, बीजेपी वालों ने पहले सर्वे कराया, उसमें इनको पता लग गया कि हर एक कॉलेज में, हर एक यूनिवर्सिटी में इनसो मजबूत है और एबीवीपी का कहीं नामो निशान नहीं है। स्वप्न लोक में रहते हैं आप। चौहान साहब, आपकी बारे में मैं बोला नहीं, प्लीज। लेकिन मैं आपको और चौहान साहब को और एचएसए से पन्नू साहब को मैं एक बात बताना चाहूंगा। इन्होंने बार बार, दोनों ने एक ही बात कही कि सरकार के समय में क्या किया। हमारी सरकार के समय में मैटर कोर्ट में था और 2004 में सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया है, उसके बाद हमने अपनी आवाज उठानी शुरू करी। 10 साल कांग्रेस की सरकार रही, उसमें भी हमने अपने छात्र संघ चुनाव की मांग की। उसके बाद अब 3 साल तो नहीं जड़े होंगे, 3 साल से इनकी सरकार ये है सन के ताले, अभी नहीं है बाजार में। मैं ये मामला कोर्ट में कब था पहले ये स्पष्ट करें, मैं सरकार के समय कोर्ट में क्या स्टे था ये स्पष्ट करें। मैं आपकी सरकार रही, किस कोर्ट में स्टे किया? 2005 में दिल्ली में इलेक्शन नहीं हुए, 2005 में हरियाणा के मैटर पे सुप्रीम कोर्ट में फैसला। और मैं यही बता रहा हूँ, जो ताड़ों वाली बात आप कर रहे हो, 3 साल से पहले दिन से जब से सरकार आई है, हम सीएम साहब को भी कहते रहे, सरकार को बार बार कहते रहे हैं कि चुनाव, छात्र संघ चुनाव को बहाल किया जाए, पर ऐसा आपके सामने कुछ नहीं किया। सिर्फ और सिर्फ ये जो कमेटी इन्होंने बनाई है, ये कमेटी को सुप्रीम कोर्ट से ऊपर मानते हैं। कमेटी को सुप्रीम कोर्ट से ऊपर इसलिए मानते हैं क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने साफ आदेश दे दिए कि लिंग दो कमेटी के उस पे चुनाव कराए जाने चाहिए, पर जो कमेटी है उसमें वाइस चांसलर्स लिए गए हैं मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज के, वो कभी शिमला में, कभी मंसूरी में जाके सेमिनार करते हैं, वहां जाके मीटिंग, ईटिंग और चीटिंग करते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं करते। ठीक है शुरान, आपके पास मैं आऊंगी। जो अप्रत्यक्ष चुनाव की बात हुई है, आप छात्र नेता है, कितना सही है सरकार का ये फैसला? अप्रत्यक्ष चुनाव का कोई मतलब नहीं बनता, क्योंकि अप्रत्यक्ष चुनाव करके आप वापस से जो धनबल और बाहुबल उसको वापस लेके आएंगे, जब क्लासों से डीआर निकल के आएंगे या क्लास रिप्रेजेंटेटिव निकल के आएंगे, उनको खरीदने और बेचने का काम होगा, ये चीज तो बिल्कुल स्वीकार्य नहीं है। जब पिछले साल हिमाचल यूनिवर्सिटी में, आप बीजेपी की स्टूडेंट विंग से आते हैं, नहीं मैम सरकार ने फैसला लेती है, ये पता है मैम, नहीं ये मैम मीडिया की बड़ी हाइप की हुई चीज है मैम। एबीवीपी का बीजेपी से कोई लेना देना नहीं है। अगर हिमाचल के अंदर वहां की बीजेपी सरकार जीतती है तो दावेदारी किसकी होती है? बीजेपी की होती है, बीजेपी की नहीं होती है मैम। आप दिल्ली, नहीं नहीं मैम, ये सच नहीं है मैम, इस चीज को मैनिपुलेट किया जाता है। एबीवीपी मैम आरएसएस से जुड़ी स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन है, बीजेपी से नहीं है। तथ्यात्मक बात कीजिए जी, मैं तथ्यों पर आता हूँ। देखिए, इंडियन नेशनल लोकदल हो, कांग्रेस हो, एबीवीपी पे आइए, सुनिए तो सही, आप समझना पड़ता कई बार, बहुत लोगों को ना हमारा ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर समझ में नहीं आता। भारतीय जनता पार्टी कोई नहीं आ रहा, सुन लीजिए साहब, नहीं हमें सर अच्छे से आता है, समझ लीजिए, हमें पता है ना, इसलिए मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। भारतीय जनता पार्टी का छात्र संगठन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद नहीं है, ये बात बिल्कुल शीशे की तरह साफ है, जो लोग हमारे ऑर्गेनाइजेशन को समझते हैं जी।
अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद देश में राष्ट्रवादी विचारधारा को आगे बढ़ाने वाला छात्रों का एक संगठन है। हमारी विचारधारा से उसकी विचारधारा मेल खाती है, ये गजब इत्तेफाक है। अब मुझे मौका मिलना चाहिए, मगर आपने मुझे एबीपी से बुलाया तो नहीं, मुझे फिर मौका दिया जाना चाहिए ना मैम। नहीं नहीं, मौका दिया गया था आपकी सवाल पे जवाब की जा रहे हैं, जवाब दीजिए। मैं जवाब देना चाहूंगा इनकी बात। ज्योति जी एक मिनट, ये थोड़ा जल्दी आंसर। मैं बहुत स्पष्ट करता हूँ जी, इंडियन नेशनल लोकदल तय करती है कि इनसो का अध्यक्ष दिग्विजय सिंह। नहीं, वो थोड़ी अलग बात है। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में कौन बनेगा, पंजाब यूनिवर्सिटी में सवाल का सीधा जवाब दे रहे हैं। एबीपी और बीजेपी की बात है, एबीपी को फैसला पसंद, विवेक रुकी एक बार के लिए, एबीपी को फैसला पसंद आया नहीं आया आप उसको लेकर भी वर्गीकृत करते हैं, रुकी एक बार के लिए। आशीष पन्नू आपके पास मैं आ रही हूँ, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट चुनाव की बात हो रही है, सरकार जो चुनाव करवाने जा रही है वो कितना सही है, आपसे सवाल। देखिए मेरे दोनों मित्रों ने इस बात को बड़ी ही गंभीरता से उठाया है, जब किसी भी चुनाव की बात होती है, चाहे वो छात्र संघ का चुनाव हो, पंचायत का चुनाव हो या विधानसभा के चुनाव हो, अप्रत्यक्ष चुनाव जैसी कोई शब्द ना हमारे संविधान में है, ना हमारे इलेक्शन कमीशन ही किसी रूल बुक में है। लिंगदो कमेटी भी साफ साफ ने ये कहा है कि प्रत्यक्ष चुनाव होने चाहिए, जो कंडीशंस, जो रूल्स और गाइडलाइंस फ्रेम किए गए हैं, जो सुप्रीम कोर्ट ने अफर्म किए हैं, उनके हिसाब से प्रत्यक्ष चुनाव होने चाहिए। अप्रत्यक्ष चुनाव का छात्र राजनीति में या किसी भी राजनीति में कोई स्थान नहीं है, और उसकी हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं और विरोध करते हैं कि चुनाव कराने हैं तो प्रत्यक्ष कराइए, अप्रत्यक्ष चुनाव कराकर ये धनबल और बाहुबल को दोबारा उसी 1996 के दौर में ले जाने की कोशिश मत कीजिए, कराने हैं तो प्रत्यक्ष चुनाव कराइए, वरना छात्र अपने हकों की लड़ाई बिना इलेक्शन के भी लड़ सकते हैं, जैसे हम लड़ रहे हैं पिछले 10 साल से। जी चौहान साहब, बहुत छोटा जवाब। देखिए मैं तो पहले कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, हमने चुनाव से पहले कहा था हम छात्र संघ चुनाव कराएंगे, चुनाव की पद्धति क्या हो, विधि क्या हो, और उससे जुड़े जितने नहीं करवाएंगे करवाएंगे वो बिल्कुल, फिर अगर इनेलो इसको जुमलेबाजी कहे तो गलत नहीं होगा ना, करवाएंगे, 5 साल पूरे होने को आ जाएंगे, करवाएंगे, वादा किया है पूरा करेंगे, लेकिन कब, क्या कोई समय सीमा है इस चीज की? हमने हमारी जो इस संबंध में गठित की गई कमेटी है उसकी रिपोर्ट एक्सपेक्टेड है, उसकी रिपोर्ट आने के बाद सरकार इस विषय में निर्णय लेगी। हमारी प्राथमिकता, देखिए दिग्विजय सिंह ने कमाल की बात की कि छात्र चुनावों के लिए, छात्र संघ चुनावों के लिए सर्वोच्च बलिदान देने के लिए वो तैयार हैं। हाँ। इस देश में बलिदान देने के लिए बहुत सारे और मसले भी हैं, छात्र संघ चुनाव महत्वपूर्ण है, लेकिन बलिदान उसके लिए दिया जाए, मैं नहीं समझता कि इसकी आवश्यकता है। बलिदान वाले विषय में दिग्विजय सिंह को और उनकी पार्टी को बता दूंगा, कश्मीर के मोर्चे पर जाकर लड़े, डोकलाम में जाकर के अड़ जाए, वहां आवश्यकता है बलिदान की। 15 अगस्त छात्र संघ, छात्र संघ चुनाव, छात्र छात्रों को पहले तो मैं कृष्ण जी का और चौहान साहब का मैं बहुत धन्यवाद करूंगा जो इन्होंने आज एक नई इन्वेंशन की है कि एबीवीपी और बीजेपी दोनों अलग अलग है, दोनों मुझे मैं इसका जो राजनीति में नहीं है, बीजेपी 1980 अलग अलग है, 1980 में आई है और एबीवीपी 1949 से काम कर रही है। बीजेपी दावेदारी क्यों करती है? मैं देखिए उसी बात आप भी दे रहे हो कि दावेदारी से कोई लेना देना नहीं है, एबीवीपी एबीवीपी अलग है। मैम भर अनुराग ठाकुर जी, मैम बीजेपी का ये जनता को मैम अनुराग ठाकुर नहीं, मैम ये बड़ी चीज क्लियर है, प्रचार करते हैं ये कहते हैं एबीवीपी और बीजेपी अलग है, एबीवीपी 1949 में आई है, बीजेपी 1980 में आई है, 50 साल का बीच में फर्क है, बहुत सीधी सी चीज है। आप अगर विंग होते हैं 1980 का आदत अपने टाइम में बोलिएगा, मेरे टाइम में, आपके टाइम में बात हो रहा है, आप रुकिए, आप मैं आपके टाइम में बात कर रहा हूं, एबीवीपी और बीजेपी दोनों अलग हैं। हां, और उसके बावजूद आप क्या हिंसा भड़काने की कोशिशें हैं, ऐसा क्या माहौल खराब करने की कोशिशें हैं? ऐसा कुछ नहीं है, ये तो बहानेबाजी बनाई जा रही है बीजेपी सरकार द्वारा। नहीं, किसी तरह का बलिदान दे देंगे ना, बलिदान देने के लिए 96 से पहले भी किसी तरह की कुर्बानी आपने देने के लिए नहीं। मैं तो बंसीलाल सरकार के वक्त भी स्थिति ऐसी ही थी, इसी बात पे आना चाहूंगा, बंसीलाल सरकार के वक्त भी शिक्षा मंत्री
वही थे जो आज के समय पे हैं जी। और उस समय इन्होंने चुनाव बंद कराने का काम किया, तो आज शिक्षा मंत्री क्यों बयान देते हैं कि हम चुनाव बहाल करा रहे हैं? आप अपना जवाब दीजिए, आपको बीजेपी से पूछेंगे हम, मैं बीजेपी से पूछूंगी मैं, आप अपना जवाब दीजिए, क्या तरीका सही है कुर्बानी देने का चुनाव के लिए? बिल्कुल सही है, हम अपना हक मांग चुके हैं, इनसे रिक्वेस्ट कर चुके हैं, जब हक मांगे से नहीं मिलते तो हक छीने जाते हैं और हम अपना हक लेना जानते हैं। भारतीय संविधान जिसका जिक्र दिग्विजय सिंह चौटाला ने किया, बाबा साहब अंबेडकर का बनाया हुआ संविधान जिसका जिक्र इनके नेता ने किया, वो कहीं भी ताले लगाने की अनुमति नहीं देता, हिंसा की बात नहीं करता, बलिदान और कुर्बानी दे प्रजातांत्रिक व्यवस्था के लिए आप बलिदान और कुर्बानी की बात करें, ये भाषा ठीक नहीं है, प्रदेश का माहौल खराब करना चाहते हैं। नहीं चौहान साहब, इतना तो साफ कीजिए ना कि आपकी मंशा ठीक है, सरकार की नीयत है कि चुनाव हो। भारतीय जनता पार्टी देश के सर्वाधिक डेमोक्रेसी पसंद दलों में से है, इनकी तरह परिवार की पार्टी नहीं है, इनकी तरह मुख्यमंत्री बनने के लिए इनके परिवार में एक परिवार में पैदा होना नहीं पड़ता। आपकी विचारधारा क्या है, सिद्धांत क्या है, उस पे भी डिबेट करेंगे ना। हम संसार का सबसे बड़ा डेमोक्रेटिक दल हैं, हम इस पक्ष में हैं कि विश्वविद्यालयों में छात्रों को प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए, उनकी से होनी चाहिए और छात्रों में भी डेमोक्रेटिक जो मूल्य है, प्रजातांत्रिक मूल्य है, उनका संचार, उनका अभ्यास विश्वविद्यालयों में हो, हम तो इसके पक्षधर हैं। उसकी विधि क्या है? साहब आपके पास मैं आ रही हूं, सरकार ने वादा किया, बीजेपी ने वादा किया सत्ता में आने से पहले, फिर घोषणा भी की जाती है लेकिन उसके बाद खास कुछ किया नहीं जाता, उसके बाद ये कहना कि हम पक्षधर हैं इस बात के कि चुनाव हो। एक फिल्म का गीत मुझे याद आ रहा है, वादा तेरा वादा, चाहे मेरे मित्र भारतीय जनता पार्टी से बैठे हों, चाहे एनएलडी से हो या कांग्रेस के मित्र जो नहीं आ पाए, तमाम राजनीतिक दल इस विषय पर सिर्फ वायदा कर रहे हैं। पिछले 20 साल से जिस चुनावी घोषणा पत्र की बात आप कर रहे हैं, 1996 के बाद चौधरी बंसीलाल की सरकार हटने के बाद किसी भी राजनीतिक दल, चाहे वो कुलदीप बिश्नोई जी की पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे एनएलओ हो या बीजेपी हो, आप तमाम राजनीतिक दलों का घोषणा पत्र उठा के देखिए, साफ साफ उसमें लिखा हुआ है कि अगर हमारी सरकार आती है तो हम छात्र संघ चुनाव कराएंगे। लेकिन कोई भी राजनीतिक दल इस मुद्दे पर सरकार आने के बाद जब उनकी सरकार बनती है तो उस मुद्दे को गौण करके भूल जाते हैं। जब विपक्ष में होते हैं तो जैसे मेरे मित्र को लग रहा है कि 1000 दिन हो गए, आप लोगों की 6 साल सरकार रही, आपको 6 साल इसकी सुध नहीं आई। उस टाइम मैटर कोर्ट में था, आप मुझे बताइए, मैं फिर कह रहा हूँ कौन सी कोर्ट में स्टे था, आप मुझे बताइए, हरियाणा में कब स्टे किए गए इलेक्शन? सुप्रीम कोर्ट में मैटर था और उसके कारण नहीं। पन्नू साहब रुकिए, विवेक रुकिए पन्नू साहब, सवाल ये था बीजेपी ने जब वादा किया है तो वादा निभाए ना, ये क्या कहना कि कांग्रेस ने नहीं निभाया, इनेलो ने नहीं निभाया? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं इस बात के लिए सवाल पूछे जाएंगे, बिल्कुल पूछे जाएंगे, इस बात के लिए भारतीय जनता पार्टी बचकर नहीं जा सकती। मेरे मित्र जिन बातों का जिक्र कर रहे हैं वो सिर्फ वायदे लग रहे हैं, उनमें गंभीरता मुझे कहीं नहीं लग रही है। मैं तो ये कह रहा हूँ कांग्रेस पर आ जाए, कांग्रेस का प्रवक्ता आज यहाँ आया नहीं, एचएसए एबीवीपी और बीजेपी तीनों मिले जुले से दिखते हैं, ये बात मैं कहने में कोई संकोच नहीं करूंगा। ठीक है ना, तो बड़ा हम आप जैसे नहीं है, हम आप जैसे नहीं, बार बार पक्षधर करते हैं एचएसए के साथी, और अगर ये असलियत में छात्र हितों की बात करते तो ये कहते कि 21 तारीख को हम आपके साथ आकर ताले लगना जी, हिंसात्मक राजनीति में हम किसी भी दल का साथ नहीं देंगे। और कॉलेजों के प्रजातंत्र में छीना छोड़ना क्यों नहीं है? अगर आप चुनाव करा देंगे तो हम ताले लगाने की नहीं है। आप राजनीतिक रोटियां सेकना बंद करिए, रुकिए सर, आप बंद इसको छात्र हित कहिए, आप चुनाव करा देंगे, आप रोहित कर रहे हैं, क्या आप चुनाव कराइए, आप चुनाव की है, आप रुकिए, इस बहाने से नहीं तो उस बहाने से, आपने तो उत्पात करना है, आपके पास मैं आऊंगी। सरकार वादा करने की बातों पर हम चर्चा कर रहे हैं कि बीजेपी का वादा था, अब ये कहना कांग्रेस ने वादा नहीं निभाया, उनके भी घोषणा पत्र में चर्चा की गई, या इनेलो ने इतने साल तक क्या किया, क्या वादा करने से पहले ये बताया गया कि इस तरह के सवाल जवाब किए जाएंगे बीजेपी की तरफ से? मैम देखिए, अगर बीजेपी ये कहती कि पहले एनएलडी ने नहीं किया या उसके बाद में कांग्रेस ने नहीं किया, तो फिर कांग्रेस और बीजेपी में फर्क क्या है? वो चीजें क्लियर करें ना कि अगर इलेक्शन तो करवाना ही पड़ेगा, इलेक्शन से कितनी देर टल के उस चीज को टाला जा सकता है।
तो एबीवीपी की मैम जिस दिन सरकार बनी उससे लेके आज तक हमारी क्लियर डिमांड रही है, और उससे पहले भी चाहे कांग्रेस ने मजबूती से आवाज कभी नहीं उठाई, मजबूती से मैम प्रशासनिक तौर पर लगातार उठाई जा रही है मैम। प्रशासनिक तौर पर मजबूती से उठाना कब होता है वो खबरों में नहीं आता, वो जनता तक नजर नहीं आता मैम। विद्यार्थी परिषद का काम सिर्फ मैम हिंसा के जरिए अखबारों में या न्यूज पेपर में बने रहना हमारा काम नहीं है। हम इस प्रदर्शन करते हैं लगातार चल रहे हैं मैम, लगातार इन चीजों के ऊपर विरोध प्रदर्शन रखे जा रहे हैं, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। आपसे एक सवाल मैं करूंगी, अगर चुनाव करवाने हैं तो बजट में ना इसका जिक्र किया जाता है ना इसके लिए राशि जारी की जाती है, फिर विश्वास कैसे करें इनेलो या फिर जनता या छात्र? देखिए जो मान लीजिए चुनाव होने हैं और चुनाव होने का निर्णय उस कमेटी की सिफारिशों के हिसाब से हो जाता है मिड सेशन में, फाइनेंशियल ईयर के मध्य में भी, तो सरकार के पास बजटीय प्रावधान करने की व्यवस्था है, उसमें कोई देरी नहीं लगती है। जब उसकी प्रक्रिया तय नहीं हुई तो एस्टिमेट्स बनाना या उसके लिए धन का प्रावधान करना ये कोई बहुत आवश्यक नहीं है। इस पर जो व्यय आएगा ये गंभीरता पे सवाल खड़े करता है। अब जिसने मंशा पर सवाल उठाना है उसने तो साहब हर हाल में मंशा पर सवाल उठाना है, सीता माता की अग्नि परीक्षा हो या उसके बाद भी मंशा पर सवाल उठाने वाले तो फिर भी सवाल उठाएंगे। हम अपने चुनावी वचन पर प्रतिबद्ध हैं, उसी लिए हमने ठीक है इंतजार ही रहेगा, इंतजार के अलावा और कोई विकल्प नहीं है। कमेटी की रिपोर्ट आई है, आपसे आखिरी जवाब मैं लूंगी, आखिरी प्रतिक्रिया इस चर्चा की। मैंने कहा कि बाकी विकल्प नहीं है, क्या इंसो के पास विकल्प है? हालांकि दिग्विजय से भी मैंने पूछा, इंसो के पास विकल्प है, इंसो ने एक ही बात कही है, पहले दिन से कहते आ रहे हैं कि अगर ये छात्र संघ चुनाव नहीं करते तो हम कोई भी बलिदान और कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। किस तरह की जो भी आगे वहां बैठ के जो भी रणनीति बनाई जाएगी वहां पे भाई दिग्विजय सिंह चौटाला जी भूख हड़ताल पे बैठेंगे, उनके साथ सैकड़ों की तादाद में छात्र भूख हड़ताल पे बैठने का काम करेंगे और वहीं अगली रणनीति बनाई जाएगी। जी चलिए, बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमानों का इस चर्चा में बने रहने के लिए। तो छात्र संघ चुनाव को लेकर चर्चा हमने की कि इनेलो की छात्र इकाई जो है लगातार मांग कर रही है, अल्टीमेटम दे दिया गया है, विश्वविद्यालयों के गेट पर ताले जड़ दिए जाएंगे, अनिश्चितकालीन हड़ताल की जाएगी, क्या सरकार झुकेगी, क्या सरकार मानेगी या फिर वो वादे याद आएंगे जो सत्ता में आने से पहले किए थे, और अगर वादे याद आए तो उनको निभाने में वक्त कितना लगेगा, ये एक बड़ा सवाल। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।